आज पानीपत में दोरियन द जिम के द्वारा टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 14 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। टैलेंट शो में 3 कैटेगरी रखी गई, डांस, रैंप वॉक, गायन। टैलेंट शो में सहभागी ड्रीम मेकर एनजीओ व इनर व्हील पानीपत साउथ रहे। टैलेंट शो का आयोजन संदीप शर्मा व नीरू शर्मा द्वारा करवाया जा रहा है। ऑडिशन राउंड में अशोक नारंग जी, ओपी माटा जी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। टैलेंट शो का आयोजन करवाने का मुख्य मकसद बच्चों की क्षमता निखारना और उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड करना है। ऑडिशन राउंड में जज की भूमिका पूनम सैनी, पूजा चौधरी और करण द्वारा निभाई गई। शो के प्रायोजक होटल डेज, हेडमास्टर सलून और मीडिया पार्टनर वॉइस ऑफ पानीपत हैं। इस अवसर पर परितोष, शैको चावला, तानिया गुप्ता, डिंपल चुप्पा विशेष सहयोग रहा। टैलेंट शो के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किसको लूँ और किसको नहीं लूँ। क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इतना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि क्या बताएं आपको। त्यागी पार्टिसिपेट कर रही है और ये टैलेंट शो एक प्लेटफॉर्म है बच्चों को बहुत आगे तक ले जाने के लिए। और बहुत मेरी नीरू मैम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे साथ टीचिंग में हैं और वहाँ से मुझे पता चला कि ये इवेंट कर रहे हैं, तो मैंने अपने बच्चों को भी कराया और भी बच्चे हैं जिनको हमने बोला है कि आप भी पार्टिसिपेट कराएं। और हमारे ही यहाँ से पानीपत से वैष्णवी डांस इंडियन डांस में गई हुई है और बहुत ज़्यादा पानीपत का नाम रोशन किया है इन्होंने। हम चाहते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारा टैलेंट आगे तक जाए और उसको आगे जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म और इस तरह के इवेंट्स होते रहें। मैंने आज टैलेंट शो में परफॉर्मेंस दी है। मैंने अपने सॉन्ग पे फेटी तेरा ड्रामा पे सॉन्ग पे परफॉर्म किया था और मैं आज ही वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करूँगी और इस पे अगर बेल आइकन को टच कर सब्सक्राइब कर अपनी वीडियोस देखूंगी। ये जो आज संस्था अपना यहाँ प्रोग्राम करवा रही है जो बच्चों को टैलेंट निखारने का, जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको निखारने का ये प्रोग्राम कर रही है, मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि मेरे वार्ड नंबर 8 के अंदर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरे को जैसे कि जैसे हमारे आज पानीपत की बच्ची हमारा नाम रोशन कर रही है, जो ये स्टार प्लस पे सोनी टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है सुपर डांस का, वैष्णवी लड़की जो प्रोग्राम कर रही है वो एक उसने अपनी कला को निखार रहा है और पानीपत का नाम वो रोशन लड़की कर रही है। इस तरह ये जो संस्था ये प्रोग्राम करवा रही है ये भी बच्चों को एक निखारने का प्रोग्राम कर रही है। जो बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, आज जैसे बच्चे दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट है, जैसे कोई बच्चा नासा जा रहा है, मेरी भी परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरे वार्ड मेरे पानीपत के बच्चे भी इस पानीपत का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो बहुत अच्छा था, बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। पानीपत में अभी तक ये ऐसा फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं था।
मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ बच्चों के साथ कि स्टडी के साथ साथ इनका एक्टिविटी में भी ये लोग जाएं। मुझे जहाँ भी पता चलता है कहीं एक्टिविटी हो तो मैं बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके जाती हूँ। मेरे बहुत दोनों बच्चे मेरे मम्मा को सपोर्ट करते हैं, मम्मा उनको सपोर्ट करती है। मेरे को जैसे लगता है कि बच्चे आजकल के बहुत एक्टिव हैं, इनको हर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मुझे जितना बच्चों में इंटरेस्ट लगता है मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं इनको वहीं लेके जाती हूँ जहाँ इनका इंटरेस्ट है। और मैं परफॉर्मेंस अच्छी करता हूँ मम्मी। पानीपत में भी बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है जो छुपा हुआ है, उसको निकलने के लिए एक मौका मिलना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे पानीपत से एक वैष्णवी है छोटी सी गर्ल, वो DID में गई है, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, जिससे अपनी सिटी का, अपने पेरेंट्स का सब जगह नाम बना है उसके पेरेंट्स का और नाम रोशन किया है। इस तरह और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म दिया है हमने कि वो आगे बढ़कर आएँ। इसका ऑर्गेनाइज मिसिस नीरू एंड मिस्टर संदीप ने किया है, जिसका ग्रैंड फिनाले 14 जनवरी को है डेज होटल में। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो मैं टीवी में देखती थी वही टैलेंट सेम मेरे को यहाँ पानीपत में मिला। इन बच्चों के अंदर भी काफ़ी टैलेंट छुपा हुआ है, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये बच्चे भी कामयाब होंगे और टीवी पर हम इनको ला सकेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। टैलेंट शो है ये, बहुत बढ़िया है और एक कमी थी पानीपत में इस तरीके के टैलेंट शो की, यहाँ के बच्चों में जो मिस हो रहा था, तो एक बहुत अच्छा एक अप्रिशिएबल एफर्ट्स है ये और हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। जितना जो जुनून यहाँ बच्चों में है उतना ही पेरेंट्स में दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारी तरफ से बिल्कुल बहुत अच्छा ये मतलब बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है ये। टैलेंट शो है पानीपत में जिससे बच्चों का सिर्फ हमें इतना ही है कि स्टेज फियर दूर हो रहा है, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे आगे जाएंगे। हमें कोई भी प्राइज या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये है कि बच्चा एक स्टेज पे जाए।